गुरमीत राम रहीम के बाद रेप के आरोप के चलते विवादों में आ चुके फलाहारी बाबा बिलासपुर के पास पेंड्रा में 3 एकड़ के आश्रम में रहते थे। कहा जाता है कि बाबा सिर्फ फल खाता है। ये यहाँ साल के 3 महीने रहने आता था और इनका कमरा बेहद गुप्त होता था, जहाँ किसी को भी जाने की शख्स मनाही थी। बाबा इसी कमरे में अपनी रात गुजारता था। इसको इन्होंने गुरुगदी नाम दिया था। खुलने लगी इनकी चमत्कारों की पौल। दाश राजस्थान के अलवर में दिव्य धाम संचालित करने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी फलाहारी महाराज का पेंड्रा में 3 एकड़ पर आश्रम है। दश आश्रम में फलाहारी महाराज के गुरुवार रामानुज आचार्य ने इनको गद्दी सौंपी थी। पेंड्रा व आसपास के इलाके में बाबा के करीब 10,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। दाश दुष्कर्म के आरोपी बाबा इस आश्रम में साल भर में करीब 3 महीने गुजारते थे। पेंड्रा क्षेत्र के कई बड़े व्यवसायी उनके शिष्य हैं और मोटी रकम चंदा के रूप में देते हैं। दश इन्हीं पैसे से आश्रम संचालित होता है। मंदिर के पुजारी श्याम जी महाराज को भी बाबा की करतूतों के बारे में जानकारी नहीं थी। जानकारी भी कैसे हो, बाबा के गुप्त कमरे में किसी को जाने या उसके आसपास फटकने की भी इजाजत नहीं होती थी। दश बातचीत में उसने बताया कि इस समय वे बीमार हैं और राजस्थान में इलाज करा रहे हैं। पेंड्रा के इस आश्रम में प्रसाद के नाम पर उबले हुए चने दिए जाते हैं। खुली चमत्कारों की पौल। दाश फलाहारी बाबा ने अपने फॉलोअर को बताया है कि उसने 12 साल तक हिमालय में जाकर तपस्या की है। दश इनके बिलासपुर के अलावा मुंगेली जिले में हजारों शिष्य हैं। यहां उनका आना जाना लगा रहता था। 4 महीना पहले मुंगेली व लोरमी में उसने रथ यात्रा भी निकाली थी। कई बार वे बिलासपुर भी आ चुके हैं। दश बाबा की इस सच्चाई के बाद लोग अब उनके झूठे चमत्कारों की भी पौल खोलने लगे हैं। उनके मुताबिक बाबा दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई चमत्कार नहीं हुआ है। फोन पर सुनते थे समस्याएं। दश दुष्कर्म के आरोपी बाबा फलाहारी बाबा ने पेंड्रा व इसके आसपास रहने वाले फॉलोअर को मोबाइल नंबर 09414016552992961,26,126,135 दे रखा है। दश किसी को कोई समस्या आती है तो वे बाबा से इन्हीं नंबरों से संपर्क कर बातचीत करते थे। अभी दोनों नंबर बंद है। पहला पुजारी भी था दुष्कर्मी। दाश पेंड्रा के लोगों के अनुसार फलाहारी महाराज के पहले दुर्गा मंदिर आश्रम की देख रेख करने की जिम्मेदारी जिस पुजारी को मिली थी वे भी दुष्कर्मी था। दाश आश्रम परिसर में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश में वे पकड़ा गया था। इसके बाद वह फरार हो गया। नगर के लोगों ने उसकी पिटाई भी की थी।